सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। और आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे कि मैं कोई नई जगह पे व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसा कि आपको पता है कि आज है निधि का बर्थडे, सो 23 गिफ्ट्स उसको मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं उसके 23rd बर्थडे पे। लेकिन मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि एक जो स्पेशल गिफ्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगा, सो वही लेने के लिए मैं आया हुआ था। तो हम लोगों ने एक गोल्ड की चेन पसंद करी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। एट ए टाइम पे अंकल ने फिर भी हमें ये वाली चेन दे दी है। अंकल अगर पसंद ना आई फिर आप चेंज कर लेंगे, है ना? दिखाओ एक बार, नीचे इधर लेटा दो। सो आप सिंपल चेन ली आ फिलहाल अज का दिन गिफ्ट करने लिए। अंकल कहते मैं कल लॉकेट वगैरह मंगवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू अंकल। तो अभी हम लोग जो है इसको पैकिंग कराने के लिए आए थे। मैंने सोचा यार अच्छे से पैकिंग हो जाए तो अच्छा, क्योंकि मेरी पैकिंग तो आप लोगों ने देख ही ली है। ये वाली पैकिंग ज्यादा सही नहीं लग रही थी, इसके ऊपर ये वाला कवर चढ़वा रहे हैं, ये सही लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, मासी की तरफ से। एक है ना, वैसे देखा ओए हो, क्या बात है धर्म पत्नी जी। पार्टी तो क्या है, कपड़े कपड़े है, हमें टेंशन नहीं लेनी कपड़े अभी। अपा खोल के देखो, नई चीज है, नई ना पी चेयर्स कर लो। सही है, कलर भी प्यारा है। मैं तो कह रही है मेरी चीज पाला यार, आही पाला ना, ये पेंट है, पेंट है, पेंट प्यारा है, आही पाला, बहुत अच्छा आही पाला यार। मैं कहने एट ए टाइम सिलेक्ट हो गई है ड्रेस, निधि जी ने जो मासी जी ने गिफ्ट करा था वही पहन लिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी जो है पड़ोस वाले आंटी हैं, गीता आंटी, उन्होंने गिफ्ट भेजा है निधि के लिए। वाओ क्या बात है, निधि जी चढ़ाई है आपकी, वाओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंटी जी ने थैंक यू कह देना, थैंक यू आंटी। चलता चुलदा तो नहीं, लाइट लूट चलता ना, लाइट लूट जागती नहीं, वाओ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई गिफ्टों की आज बुशार हो रही है धर्मपत्नी जी, मम्मी जी ने गिफ्ट दिया है ये, खोलो भाई अनबॉक्सिंग। ये सही है, सोखा कौन है मेरे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सोहनी है, बहुत कैंट है, कैंट है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धर्मपत्नी जी मिल गए ना गिफ्ट, बस ठीक है फिर, ओके टाटा बाय बाय। नींद आ रही है अभी, फिर सोते हैं, ठीक है, ओके जी। पहले उठ जाना, बोला था कुछ शायद, क्या बोला था भाई, धोखा सच्ची में मैं क्या गिफ्ट आऊंगी देने वाले। ओ मासी की कोई गिफ्ट नहीं आ रहे थे, मासी जी ने गिफ्ट दिया है अभी अभी धर्मपत्नी। ओ वाओ 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 वाओ, कलर ही बहुत प्यारा लग गया मेनू, स्टॉल है कैंट आ, कलर मासी कलर बहुत प्यारा लग गया मेनू, मासी कलर बहुत प्यारा लग गया। तेईसवां गिफ्ट पेंडिंग था जो वो लगता है धर्मपत्नी जी इंटरेस्टेड नहीं है, रहने देते हम लोग, हमारे पैसे बचे एक छोटा सा गिफ्ट जो तेईसवां गिफ्ट था मेरी तरफ से। अंकल मैं गरीब बंदा, दिहाड़ी वाला बंदा, वॉच है, वॉच है, डायमंड होएगी,
खुल जा सिम सिम दिखाया भाभी सबका बढ़िया है। मैंने क्या बोला था भाभी? क्या बोले? वेरी नाइस। वही गई रही है मेरे से मिटाओ। एक्चुअली पता बहुत अच्छी है अंकल, हमने मैं पहले ही देखा था दिखायो, पर अच्छी लग रही है अभी है ना। एक्चुअली गाइस पता क्या हुआ था, अंकल के पास मैं गया ना, एट ए टाइम गया एक तो दो दिन मिले नहीं अंकल। सो मैं अंकल तो लॉकेट वाली चीज मंगी थी, अंकल कहते इस टाइम तो यही अवेलेबल है तू गिफ्ट कर दे, कल नु नाल ले आई आप पसंद दा जिवें दा कहोगे मजा आऊगा। बहुत बढ़िया फिर भी चलो गाइस पा दे ना चलो, परमात्मा हर साल तो नहीं नहीं दोवे कट पई है खुशी के लिए नहीं होने फेस तो खुशी झलक रही है हुंदा ही है देखो ऊपर ये चीज नहीं प्यार हुंदा है प्यार है चल मैं पहला बर्थडे पहली लोहड़ी पहली दिवाली पहला सारा कुछ पहला होंगे तो सारा कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ता पहला साल कहना भी तो अभी हम लोग ऐसे ही बैठे थे बातें बूते कर रहे थे। मम्मी मासी वो वाली बात सुनाओ जिन वाली दादी ने दिखदा सीगा। हाँ 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 जिन के जिन का सुना जिन जिन क्या आपने सुने कहानी रियल में हमारे घर में जो हमारी मेरे दादी सास थे ना तो हमारे घर में क्या था ना उनको कभी जैसे आपने कपड़े तय किए तो कपड़े बिखर जाते थे। अच्छा। कभी चुन्नी कहीं पे टांग देनी कहीं जैसे अंडरवेयर पड़ा है उसको कहीं गिरा देना जैसे कोई लिफाफा पड़ा है उसको कहीं गिरा देना कोई चीजें घर की उल्ट फुल्ट होती थी। अच्छा। तो मेरे ना दादी बोले कि जैसे बच्चे तंग करते हैं जैसे मेरे चाचा चाची बुआ वगैरह सब छोटे थे उन्होंने लगा होगा कि बच्चे मेरे को तंग करते हैं तो ऐसे नहीं था। तो बच्चे बोले कि हम तो स्कूल जाते हैं हम कैसे करेंगे तो मतलब दादी ना नोटिस करने लगे रोज कि बच्चों की बात भी सही है बच्चे तो होते ही नहीं घर पे मैं अकेली होती हूँ। तो फिर उन्होंने ना किसी मतलब संत को बुलाया तो वो जब घर में आए उन्होंने बोला कि आपके घर में जिन है। हाँ वो आपको मतलब कोई तकलीफ नहीं देता वो बच्चा है बच्चों जैसी शरारती करते हैं कि आपको लगता है कोई बच्चा कर रहा है कि जैसे कोई चीज छुपा देता है कुछ भी इधर से उधर रख देता है कपड़े खोल के गिरा देता है जैसे बच्चे के आगे कपड़े तय करके रखे उसने ऐसे उठा के गिरा दिए कि वो आपको ऐसे परेशान करता है कि बच्चों की तरह तो आपको तकलीफ नहीं देगा। बोले कि इसका क्या इलाज है? बोलते घर कील के जाएंगे कील के मतलब होता है कि घर के ना चारों तरफ उन्होंने जो मेक होती है कील होती है ठोक के चले गए थे उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ कोई परेशानी नहीं। और ये सच बात है कोई झूठ नहीं सभी चाचे को ताया जी को बुआ को सभी को बात का पता था उन्होंने मेरी शादी के बाद मेरे को बताया फिर मैंने दादी से पूछा बोले कि सही बात है। फिर डर नहीं लगता था उनको? नहीं पहले लगता था उन्होंने फिर जब मतलब उनको पता चल गया फिर वो कील के चले गए फिर उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। बर्थडे हमने मना लिया है केक वगैरह कट कर लिया है खाना भी खा लिया है फ्री हो गए अब थोड़े से। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ओ पता क्या है गाइस हमारा सीन ऐसा होता है कि हम जिनसे गोल्ड लेते हैं ना तो हम उनसे ही लेते हैं मतलब ये अंकल से। तो मैं दो तीन दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन अंकल बिजी थे और शॉप भी नहीं खोल रहे थे और घर पे भी नहीं मिल रहे थे। सो फिर एट ए टाइम मैंने चेन ला दी पर निधि जी कह रहे हैं ठीक है लॉकेट अलग से बनवा लेंगे ये चेन ठीक है यही वाली लॉकेट की कोई वो नहीं है आपने चेन बना दिया वो
वही मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। पर वैसे आपको इतने पैसे लगाने नहीं चाहिए, कोई ना, चीज ही बनी है अपनी, कोई चक्कर नहीं। और गाइज हम ठहरे मिडिल क्लास बंदे, ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं। और मैं एक टाइम पे 5,000 की नौकरी करता था, मेरे को पता है कि उस टाइम पे कैसे गुजारा करता था, लेकिन आज ये सब चीजें कर रहा हूँ, मेरे को खुद पे भी प्राउड होता है और बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत ज्यादा। जब मेरे मम्मा या निधि कोई भी कुछ चीज मांगते हैं और मैं उनकी वो चीज मतलब उनको वो फुलफिल कर देता हूँ उन चीज़ों को, देन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बाकी अभी यार चेंज करता हूँ, नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपने कुछ बोलना है? मैंने आपको बोलना है कि थैंक यू। क्या पत्नियाँ थैंक यू बोलती हैं? पत्नियाँ थैंक यू बोलती हैं पति नहीं। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।